जुबिन नौटियाल के सहयोग से आरोग्य धाम की टीम कोरोना टेस्टिंग के लिए पहुंची नागथाट क्षेत्र में, जहां एक तरफ विश्व के साथ साथ पूरे देश में कोरोना अपना कहर बरसा रहा है, वहीं पहाड़ी क्षेत्र भी अब इससे अछूता नहीं रहा। उन्हीं पहाड़ी क्षेत्रों में एक क्षेत्र देहरादून जिले का जौनसा बाबर क्षेत्र भी आता है, जहां स्वास्थ्य सेवाएं दम तोड़ रही। क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवा की बदहाली को देखते हुए जनता के हितेशी बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल पूर्व की भांति इस बार भी आगे आ रहे हैं। जुबिन नौटियाल के प्रयास से आज नागथाट क्षेत्र में हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें आरोग्य धाम के डॉक्टरों की टीम ने 50 लोगों की कोरोना टेस्टिंग की, जिसमें एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव निकली, जिसके उपचार हेतु घर पर अलग रहने की सलाह के साथ निःशुल्क दवाई दी गई। वहीं नौटियाल परिवार के द्वारा क्षेत्र में 15,000 मास्क और 3,000 सैनिटाइजर और प्रत्येक गांव के लिए एक एक ऑक्सीमीटर थर्मामीटर वितरित किए गए। और पूर्व जिला पंचायत रामशरण नौटियाल ने कहा कि कोविड टेस्टिंग और राहत सामग्री वितरण का कार्यक्रम पूरे क्षेत्र में चलाया जाएगा। वहीं जब मीडिया द्वारा क्षेत्र की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर प्रश्न किया गया तो नौटियाल ने बताया कि यदि आज क्षेत्र में कोरोना टेस्टिंग कैंप लगाने पड़ रहे हैं तो ये हमारे क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली के कारण करना पड़ रहा है। और क्षेत्र की जनता को मूलभूत सुविधाओं के लिए तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर की दूरी तय करके शहरी क्षेत्रों का रुख करना पड़ता है, और हमारा निरंतर यही प्रयास रहेगा कि क्षेत्र की जनता के लिए आगे भी टेस्टिंग कैंप लगाए जाएंगे और हर प्रकार की सुविधाएँ मुहैया कराई जाएंगी। कैमरा पर्सन नवनीत कुमार गुप्ता के साथ स्टेट हेड सुरेंद्र सिंह, डीसीपी न्यूज़ उत्तराखंड के लिए। ऐसा लगता है कि जैसे जैसे शहरों में कोरोना के केसेस एकदम से बड़े थे, फिर अभी ये कम हो रहे हैं, वैसे वैसे पहाड़ों में भी बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, और कुछ गांव से कैजुअलिटीज़ की भी रिपोर्ट आ रही है, कुछ लोगों की डेथ भी हुई है यहाँ पे कोरोना से। मुझे ऐसा लगता है पहाड़ी आदमी डर रहा है इस वक्त टेस्ट कराने से, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि उनको उठा करके ले जाएंगे और बंद कर देंगे इसमें, क्या बोलते हैं, आइसोलेशन में। पर मुझे लगता है टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है, और अगर मेरे लोग पहाड़ से नीचे नहीं आएंगे टेस्ट कराने तो मुझे ऊपर आना पड़ेगा। और यही मेरी एक कोशिश है कि आरोग्य धाम हॉस्पिटल और उत्तराखंड के बहुत ही नामी डॉक्टर विपुल कंडवाल जी को मैंने रिक्वेस्ट करा, और उन्होंने एक्सेप्ट करा कि मैं आपके साथ चलूँगा और टेस्ट करेंगे। तो बस वही हम एक जागरूकता भी स्प्रेड करने आए हैं, कुछ टेस्ट कराने आए हैं, कुछ मास्क सैनिटाइजर्स और ऑक्सीमीटर्स देने आए हैं, काम कर रहे हैं बेसिकली कोरोना के वक्त पे। पेड़ की मजबूती होती है वो जड़ों से होती है, और अगर जड़ गहरी है तो पेड़ ऊंचाई भी लंबी लेता है। मैं अपने आप को जौनसार का एक पेड़ समझता हूँ, और जब तक मेरी जड़ें यहाँ से जुड़ी हैं तब तक जुबिन नौटियाल अपना नाम जितना भी हो सके यूज़ करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आँखें खींच सके जौनसार की तरफ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खींच सके जौनसार की तरफ। ये हमारा जौनसार बहुत ही खूबसूरत जगह है और पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, तो सारा पोटेंशियल एक्सप्लोर करना चाहता हूँ मैं यहाँ जी। शहरों में डॉक्टर्स बहुत व्यस्त है, तो जैसे जैसे हमें डॉक्टर्स टाइम देते रहेंगे वैसे वैसे हम लोग यहाँ पर कैंप्स लगाते रहेंगे। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जागरूकता की ज़रूरत है कि लोग अपने घर से आएँ और टेस्ट करवाएँ। कोरोना एक ऐसी बीमारी है, अगर ये जल्दी डायग्नोस हो जाती है तो ये इतनी लीथल नहीं होती, एक छोटे से बुखार की तरह निकल सकती है, लेकिन अगर लेट हो जाए तो ये जानलेवा हो जाती है। तो बस मुझे ख्याल है जागरूकता भी स्प्रेड करनी है, और टेस्ट मुझे लगता है करने के लिए लोगों को बढ़ावा देना। ये प्रोग्राम अभी हम लोग ने, खैर मुझे लगता है 100 गाँव हमने कवर कर लिए हैं, और अभी मेरे ख्याल 300-400 गाँव और बाकी है, 300 गाँव और बाकी है। तो मुझे लगता है शुरुआत है, ये अभी सिर्फ शुरुआत है इस चीज़ की, और जैसा लोग कह रहे हैं, जिस तरह से एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि कोरोना की तीसरी वेव भी आ सकती है, तो इसलिए हमने कोशिश करी है रिलायंस फाउंडेशन की मदद से कि कुछ वॉशेबल मास्क मिल जाएँ जिनको आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपको बचाएंगे। देखिए मास्क जब इंसान मुंह पे पहनता है तो उसको हर वक्त याद रहता है कि कोरोना जैसा वक्त चल रहा है, तो इतनी आसानी से बीमारी फैलती भी नहीं है, ये भी एक रीज़न है। और मास्क आपको हर तरह से बचाता है कोरोना वायरस से, सो मुझे लगता है मास्क एक बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ होती है जिससे ये वायरस रोका जा सकता है। और मेरी सारे पहाड़ के लोगों से सिर्फ ये विनती है कि ये महामारी वर्ल्ड में इस वक्त तबाही मचा रही है, तो अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें, मास्क पहने, सैनिटाइजर्स जो आपको दिए जा रहे हैं, मास्क जो आपको दिए जा रहे हैं वो इस्तेमाल करें। हर गांव में ऑक्सीमीटर दिया जा रहा है, थर्मामीटर दिया जा रहा है, तो
किसी की भी तबीयत ऊपर नीचे होती है, सबसे पहले ऑक्सीजन अपने लेवल्स देखें। थोड़ा भी ऑक्सीजन लेवल नीचे जाता है तो आप सीधा क्लोजेस्ट मेडिकल फैसिलिटी पे जाकर के कोरोना की दवाई का कोर्स शुरू करें। देखिए, तो जो फर्स्ट पहली वेव आई थी उसमें हमने ज़रूरतमंदों को राशन किट उपलब्ध कराए, और ये दूसरी वेव बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होकर के आई इलाके में और काफ़ी लोगों में फैल गया। कि जो आज ये कैंप लगा इसके बारे में बताना चाहता हूँ। मुझे ये बताया गया कि लोग बाग जांच के लिए भी आ नहीं रहे हैं, कोई डर भय है, क्योंकि पिछले वेरिएंट में जिनका कोविड का पता चला वहाँ पुलिस गई और उनके दरवाजे पे पुलिस लग गई और आना जाना बंद हो गया। तो ये सारी चीज़ों से अभी तक वो भय बरकरार है, तो लोग जांच के लिए आ नहीं रहे। आप देखिए कितने कम संख्या में हैं। मैं आरोग्य धाम अस्पताल के डॉक्टर आए हैं यहाँ पर, और कंडवाल जी बहुत ही योग्य डॉक्टर हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अपना उनके हॉस्पिटल में वहाँ अपने आप भी बहुत भीड़ है, उसके बावजूद भी यहाँ समय निकाल के पूरे और स्टाफ के साथ आए हैं। है कि टेस्ट करा के जो पॉजिटिव निकलते हैं उनका ट्रीटमेंट शुरू हो जाए, और उनके परिवार के, उनके नज़दीक के लोग और ना उन्हें फैले, उनके गांव के लोगों, तो उसके लिए हम लोग मास्क और सैनिटाइजर का वितरण कर रहे हैं। अस्पताल की बिल्डिंगें बनी हैं वो सिर्फ ठेका, चेले चपाटों को ठेका देने के लिए बनती हैं। बिल्डिंग बन गई, उसके नाम पर वोट ले लिए, तालियां भिजवा दी, और उसके बाद वहाँ डॉक्टर है कि नहीं, अब जौनसार बावर के लोगों को पता चला है, अब पता चला है कि जो ये डॉक्टर, ये जो अस्पताल थे ये ठेकों के लिए नहीं थे, यहाँ डॉक्टर चाहिए। अब लोग पूछ रहे हैं कि कहाँ है डॉक्टर, पूछ रहे हैं लोग वहाँ डॉक्टर कहाँ है, एनएम सेंटर कहाँ है। तो यहाँ ये प्रथा जब तक नहीं टूटेगी, ये ठेकेदारी की प्रथा, जो विकास के कामों में ये ठेकेदारी की प्रथा जब तक नहीं टूटेगी तब तक इस इलाके का कुछ हो ही नहीं सकता, मैं आपको गारंटेड बोलता हूँ। सवाल नेतृत्व का और नेतृत्व परिवर्तन का नहीं है, सवाल है हृदय परिवर्तन का। हृदय परिवर्तन जनता को करना है, जनता का होना चाहिए सबसे पहले। नेता आपके गांव में आते हैं, आप उनसे ये पूछिए कि पिछले बार आपने फलान चीज़ की घोषणा की थी वो पूरी करी आपने, वो आपने पूरी नहीं करी तो क्या कर रहे हो आपके गांव में, उनको आने ही देना चाहिए। यहाँ तो घोषणाओं का बाजार गर्म रहता है हर समय। मुझे पार्टी मौका देगी तो वैसे तो मैं आपको लमसम में बताता हूँ कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी इस बार ये सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, जीत के आएगी, कोई सवाल ही नहीं। ये समय भारतीय जनता पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी यहाँ जब तक नहीं आएगी तब तक बदलाव ही नहीं होगा। वो एक अलग बात है कि पार्टी के अंदर पार्टी को सोचना चाहिए कि कौन व्यक्ति, महिला कौन है जो जिनको पार्टी लड़ाए, जो इस लड़ाई को, हालांकि हम लोग 5 बार हार गए हैं तो ये प्रयोगशाला ही ना बन जाए चक्राता। इसलिए मैं समझता हूँ कि पार्टी, हमारी पार्टी इस समय निर्णय करेगी, अच्छा निर्णय करेगी, और भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ से चुन के जाएगा।